शिमला में सोमवार सुबह 7:30 बजे चेल्सी स्कूल की 7 छात्राओं को ले जा रही सरकारी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बस चालक सहित 2 बच्चियों की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए IGMSC अस्पताल ले जाया गया। हादसे में बस के परिचालक घायल हैं। हादसे का कारण तंग सड़क में पार्किंग की गई निजी गाड़ियां बताया जा रहा है। ड्राइवर ने तंग सड़क से बस निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से बस का टायर सड़क से बाहर निकल गया और बस 100 मीटर से ज़्यादा गहरी खाई में जा गई। सड़क के किनारे रोलिंग भी नहीं थी। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को अपनी गाड़ियों में अस्पताल पहुँचाया। प्रशासन और पुलिस 1 घंटा देरी से घटनास्थल पर पहुंची तो स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियों को तोड़ डाला। वहीं मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी लोगों ने घेर लिया। शिक्षा मंत्री को SP की गाड़ी में भागना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने वीडियो बना रहे मीडिया के लोगों को भी नहीं बख्शा। सीधी सीधी है गाड़ी को वो आगे ले गया, पीछे आप लोगों की पार्किंग होगी, जिसने पार्किंग पे कोई 3D वालों की है या बाहर वालों की है। अगर आप लोगों ने अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।